नमस्कार, ओके क्रेडिट में आपका स्वागत करता हूं। मैं सिद्धार्थ सिंह आपको एक बहुत ही अच्छे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको मैं बताने जा रहा हूं जिस बिजनेस के बारे में, वो है कॉटन विक बिजनेस, यानी कॉटन की जो छोटी छोटी बत्तियां, जो कॉटन विक, जो घी जोत हम लोग जलाते हैं घरों में, उसको बनाने का बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। और आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है आपको घर से इनकम करने का। तो इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी आपको ए टू जेड दूंगा और सारी जानकारी आपको सही दूंगा। और आपको बता दूं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे आप प्रेस कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी मैं लक्ष्मी नगर में क्विक पूजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, उनके पास आया हूं। और आपको बता दूं, ये मशीनों का बिजनेस करते हैं, मशीन में ट्रेडिंग करते हैं और साथ में ये कॉटन विक मैन्युफैक्चरिंग खुद का भी करते हैं। तो आपको बता दूं, ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं उससे मैं ए टू जेड आपको बताने जा रहा हूं। कंपनी लास्ट 6 ईयर से कॉटन विक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ट्रेडिंग कर रही है, इसलिए हमने सोचा कि इनसे बेटर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने के लिए नहीं होगा कि इस बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे क्या आपको कितना मुनाफा हो सकता है। सबसे पहले हम शैलेश जी से जानते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्टार्टिंग से एक मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इसको अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहेंगे तो आप 4 मशीन 5 मशीन भी लगा के शुरू कर सकते हैं। एक मशीन की कीमत अगर आप ये राउंड कॉटन विक की मशीन कितने से शुरू हो जाती है? 20,000 से शुरू हो जाती है। इस मशीन को लगाने के लिए आपको 10 से 12 बाई रूम चाहिए। उस रूम से आप मतलब 10 बाई 12 के रूम में आप 2 से 3 मशीन का सेटअप लगा सकते हैं। जी, इसमें अगर एक मशीन से स्टार्ट करते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपया इनकम कर सकते हैं। अगर इसी को आप पैकिंग करके, बॉक्स में पैकिंग करके अगर सेल करेंगे तो आप 15 से 20 हज़ार रुपया इनकम कर सकते हैं। और अगर ये 10 से 15 हज़ार जो आप बता रहे हो, 15 हज़ार तक इनकम आप होलसेलर को देके कर सकते हैं। हाँ, होलसेलर मतलब बल्क में अगर लूज क्वांटिटी देते हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा, लूज क्वांटिटी में आप दोगे तो कम इनकम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर पैकेजिंग करके दोगे तो ज्यादा कमा सकते हो। और अगर आप एक मशीन अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इस बिजनेस में तो उनको कम से कम 4 से 5 मशीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स को भी आपको आज के डेट में 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार की सैलरी आपको देने पड़ेगी। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कंपनी का इंडिया मार्ट का लिंक आपको दिया रहेगा, आप वहां से जाके आप मशीन खरीद सकते हैं, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और जैसे कि सर ने मुझे पहले बताया था कि इनका ब्रांच कई जगह पे है, जैसे बिहार में भी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। तो आप अलग अलग एरिया से अगर हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके नंबर ले सकते हैं और सारी जानकारी लेने के बाद मशीन लेकर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब हमारे दर्शकों को एक बार बिजनेस कैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है वो छोटा सा आप डेमो दिखा दीजिए, और कैसे पैकेजिंग होता है ये बता देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, लॉन्ग कॉटन विक बनाने के लिए आपको कॉटन आएगा, आप कॉटन देख सकते हैं, इस तरीके का रोल आता है, 10 केजी का कॉटन का रोल आएगा इस तरीके का, आपको लेना है वो। अब इसमें 3 से 3.5 इंच का अंदाज आपको लेना है और ये पार्ट करके आपको इस एरिया में मशीन के, तो काफी सिंपल है। आप देख सकते हैं किस तरीके का ये कॉटन विक यहाँ से बन के निकल रहा है, एकदम फाइन क्वालिटी का। आपको पैकिंग दो तरीके से कर सकते हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये पाउच पैकिंग है, ये आप तोल कर, ये आपको वेट मशीन यहाँ पे दिख रहा है, ये वेट मशीन आपको इजिली 300-400 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप इसमें नेट वेट के हिसाब से इसमें पैकिंग कर सकते हैं, 8 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम। सबसे खास बात है कि इसी मशीन के अंदर सीलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस तरीके से सील कर सकते हैं। और नॉर्मल सीलिंग मशीन भी आती है 1000 रुपीज तक की, और इस तरीके का बॉक्स भी आप बना सकते हैं। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है राउंड कॉटन विक मशीन, यानी गोल बत्ती जो इससे बनती है। आपको क्या करना है कि ये दो पार्ट करना है, जो कॉटन आपको मिलता है वो दो पार्ट को इस निडल पे टच किया जाता है और ये कॉटन विक बनकर नीचे गिर जाता है। 1 किलो कॉटन विक बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आएगा इसका 250 रुपए, और इसके अलावा जो पैकिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सब कुछ आप मिला लेंगे उस 1 किलो को पैक करने में, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 50 रुपए पर केजी पे कॉस्टिंग आएगा। अगर आप कॉस्टिंग निकालेंगे, मार्केट में जो इसका सेलिंग होता है वो होता है 72 रुपए दर्जन, यानी एक पैकेट मार्केट में जो जाता है वो 6 रुपए का जाता है। और यानी अगर आप 1 किलो में 120 पैकेट निकाल रहे हो तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 रुपए में टोटल आपका वो पैकेट बिकेगा, यानी 1 किलो में जो टोटल लागत आई आपकी 250 प्लस 50, यानी 300 रुपए, और जो आप मार्केट से लेकर आ रहे हो वो 720 रुपए, यानी 1 किलो पे आप 420 रुपए कमा रहे। इसमें 50 रुपए मार्केटिंग एक्सपेंस भी आप अलग कर लो तब भी आप कम से कम 350 रुपए बचा लोगे पर केजी पे, यानी 2 केजी डेली आप बनाते हो तो 700 रुपए
पर डे का इनकम आप कर सकते हो। अभी इस बिजनेस में कोरोना काल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है मार्केट में। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है उसमें पूजा पाठ लोगों ने बंद नहीं किया है, तो आप भी जान सकते हैं कि अगर पूजा पाठ बंद नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी नहीं। ये हर घर में, ये पूरे साल चलने वाला बिजनेस होता है, ये हर घर में पूजा होता है और हर घर में ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, तो इसलिए ये बिजनेस में आप लोग हाथ आजमा सकते हैं और ये बिजनेस वाकई में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।